एबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने इंडिया न्यूज के साथ खास बातचीत करते हुए कहा है कि ओबीसी मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने को लेकर के संवाद किया गया है। इस मौके पर उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि ओबीसी आयोग बनाकर संवैधानिक शक्तियां दी गई हैं। कांग्रेस पर भी हमला बोलते हुए सांसद ने कहा कि कांग्रेस ने ओबीसी वर्ग को केवल वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया है। ओबीसी के प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक फरीदाबाद में चल रही है। हमारे साथ में नायब सिंह सैनी है, कुरुक्षेत्र सांसद हैं और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं ओबीसी मोर्चा के। सर, बैठक के एजेंडा क्या है? देखिए, हमारे प्रदेश ओबीसी मोर्चा भारतीय जनता पार्टी की ये बैठक फरीदाबाद के अंदर आयोजित है और इसके अंदर क्योंकि हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक गुरुग्राम के अंदर सौभाग्य से हरियाणा को मिली थी, गुरुग्राम के अंदर थी और उसके बाद ये प्रदेश कार्यकारिणी की बैठकें पूरे देश के अंदर होती हैं, फिर जिला कार्यकारिणी की होती हैं, फिर मंडल कार्यकारिणी की होती हैं कि जो काम ऊपर से केंद्र की तरफ से दिया जाता है उसको धरातल के ऊपर उतारना, हर गाँव तक, हर घर तक जाना। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार ओबीसी समाज के लिए, ओबीसी वर्ग के लिए एक बड़ा काम किया, ओबीसी आयोग बनाया, जिससे लंबे समय तक जो ओबीसी वर्ग था, ओबीसी समाज था, मांग कर रहा था, उस मांग को पूरा नहीं कांग्रेस पार्टी ने किया। कांग्रेस ने लगातार ओबीसी को एक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया, रैलियों में भीड़ बढ़ाने के लिए ओबीसी समाज का उपयोग किया, परंतु उनके अधिकार नहीं दिए, उन अधिकारों से वंचित रखा। कांग्रेस का इतिहास उठा करके देख लीजिए, पीछे तक अगर ओबीसी को कोई हक देने की बात आती थी तो राजीव गांधी जैसे लीडर जो प्रधानमंत्री पद के ऊपर रहे हैं वो भी ओबीसी के खिलाफ खड़े हो गए थे, परंतु नरेंद्र मोदी जी ने आकर के ओबीसी समाज को एक बड़ा सम्मान दिया, ओबीसी आयोग बनाया, ओबीसी आयोग बना करके उसको संवैधानिक शक्तियां दी। और संवैधानिक शक्तियां नहीं दी, अगर ओबीसी के बच्चे केंद्रीय विद्यालय के अंदर एडमिशन लेते हैं, सैनिक स्कूल में एडमिशन लेते हैं, नवोदय विद्यालय में एडमिशन लेते हैं तो उनको 27% का आरक्षण देने का कार्य नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया, पहले नहीं था। नायब सिंह सैनी, आरक्षण को कैसे देखते हैं? आरक्षण लगातार जारी रहना चाहिए या आप खत्म हो जाना चाहिए? नहीं, देखिए, क्योंकि जब पिछड़ा कोई व्यक्ति है, पिछड़े के लिए उसके अधिकार हैं और संविधान के अंदर दिए गए हैं, अगर संविधान के अंदर दिए हैं, जब तक वो पिछड़ा है तो उसको आरक्षण मिलना चाहिए। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तो पहली बार ये काम किया कि जर्नल के अंदर भी जो आर्थिक रूप से कमजोर कोई व्यक्ति है उसको भी 10% का रिबेट देने का काम, चाहे एडमिशन्स की बात है, चाहे कोई अन्य और फैसिलिटीज की बात है, उसके अंदर भी 10% का आरक्षण देने का काम आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को जर्नल के अंदर, ये काम नरेंद्र मोदी जी ने किया परंतु आज तक नहीं किया किसी सरकार। उपलब्धियों की तो आप जिक्र करते हैं, इस तरह की कार्यकारिणी की बैठक होती है, लेकिन जो पदाधिकारी होते हैं उनकी क्या समस्याओं को भी सुना जाता है और ऊपर तक पहुंचाया जाता है? बिल्कुल, सभी पदाधिकारियों की समस्याओं को सुना जाता है, मिलते रहते हैं पदाधिकारी, आज भी सारे के सारे साथ हैं और फिर भी मिलते रहते हैं, उनकी कोई ऐसी बात नहीं। हम तो सब ये नीचे तक, क्योंकि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ ओबीसी समाज खड़ा है, ओबीसी समाज के लिए नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बड़ा कार्य, ऐतिहासिक कार्य किया। ओबीसी समाज का दायित्व तो बनता है कि लंबे समय तक जिससे वंचित ओबीसी समाज रहा और कांग्रेस पार्टी उस अधिकार को नहीं दे पाई, नरेंद्र मोदी जी ने अधिकार दिया, ओबीसी वर्ग पूर्ण रूप से नरेंद्र मोदी जी के साथ है। 2024 के जब चुनाव आएंगे, एक बड़ी भूमिका ओबीसी समाज वो नरेंद्र मोदी जी के साथ उनको मजबूत करने में अपनी भूमिका अदा करेगा। सत्ता पक्ष में है आप, लेकिन जो लोकसभा है उसको बीजेपी ही नहीं चलने दे रही है, लगातार विरोध हो रहा है, राहुल गांधी से माफी मांगने की बात कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि जेपीसी बनवा दीजिए, जेपीसी में क्या दिक्कत है? देखिए, क्योंकि राहुल गांधी ने जो उनकी सोच है वो सोच इस प्रकार की है, पता नहीं परमात्मा उसको सुदबुद्धि दे, कब देगा कब नहीं देगा, किस प्रकार की वो बातें करता है। ऐसे लोगों के बीच में जाकर के बैठना, ऐसे लोगों का समर्थन करना जो देश को तोड़ने की बात करते हैं, जो देश को टुकड़े टुकड़े की बात करते हैं, जो देश को कमजोर करने की बात करते हैं, ऐसे लोगों का समर्थन राहुल गांधी करते हैं। प्रधानमंत्री जो जनधन खाते खुले, प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले विरोध राहुल गांधी ने किया, एक भी ऐसी योजना नहीं है जिसका विरोध राहुल गांधी ने ना किया हो, परंतु वो विरोध करे, परंतु देश के सम्मान को वो तार तार विदेशों में जाकर के ना करे। ऐसे व्यक्ति का लोकसभा के अंदर बैठना भी ठीक नहीं है, क्योंकि चाणक्य ने जो कहा था कि जो उसकी कहावत आपको मैं बोलना नहीं चाहता, चाणक्य ने जो कहा था
उसकी जो नीति है वो इसको परफिट बैठती है, इसको समझना चाहिए। कड़े शब्दों में निंदा कर रहे हैं राहुल गांधी की, ये नायब सिंह सैनी है कुरुक्षेत्र से सांसद, और एक तरफ जहां मोदी सरकार की और प्रदेश सरकार की योजनाओं को गिना रहे हैं तो वहीं लोकतंत्र पर जिस तरह से राहुल गांधी ने दूसरे देश में जाके बात की है उसको लेकर वो माफी मांगने की बात कर रहे हैं। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज़।